दीशम साहब, हमारा अमल मुकम्मल हो चुका है। हसान की रूह अपने मकाम की तरफ लौट रही है। अल्लाह तेरा शुक्र। इंसान जब खुदा की बनाई हुई हुदूद की खिलाफ वर्जी करता है तो ऐसी आफात इंसान का मुकद्दर बनती हैं। हसान की रूह को तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक उसके कातिल अपने अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे। जजा और सजा का मामला अल्लाह पर छोड़ना चाहिए, वो इंसाफ करने वाला है। वैसे भी अभी खतरा टला नहीं है, अभी बहुत सारे लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। अमवात का सिलसिला अभी रुका नहीं है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, अभी बहुत सारे राजों से पर्दा उठना बाकी है। देखिए, मुझे मजीद उलझा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। फिलहाल तुम अपनी अम्मी और अपनी बहन से कहो कि हसान के लिए जितना हो सके कुरान पाक पढ़े। बाद में बात करता हूं तुमसे। खुदा हाफिज। हमीशम साहब की कॉल आई थी, बता रहे थे कि उनका अमल मुकम्मल हो गया। हसान की रूह हमेशा हमेशा के लिए वापस चली गई है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे रब, मेरे बच्चे की रूह को बख्श दे, मेरे बच्चे की रूह को बख्श दे, मेरे बच्चे की रूह को सुकून अता फरमा। आमीन। अम्मी, अम्मी, वहां कोई नहीं है, कोई नहीं है वहां पे। हसन, फिर बेटा, बेटा। अम्मी, 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 पानी लेकर आओ। मैं पानी लेकर आती हूँ। अम्मी, अम्मी उठे। हसन, हसन, हसन। अम्मी मैं हूँ ना आपके पास। हसन चला गया। मेरा बेटा चला गया मुझे छोड़ के, चला गया मुझे छोड़ के, चला गया। मुझे